हेलो फ्रेंड्स, पटना ब्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जय भास्कर और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद हमारा एक फैमिली प्लांट, एडेनियम का पौधा। वैसे तो एडेनियम का एक ये भी प्लांट है, लेकिन इसी का एक दोस्त है, समझे। वो जो दोस्त है ना, थोड़ा इससे बड़ा है, लेकिन क्या किया कि थोड़ा बड़ा हो गया इससे। उसकी जड़ें जो है, शरीर जो है, आकार जो है, इतना फैल गया कि वो जहां रहता था अपना टीन का कनस्तर में था, इतना मोटा गया कि खाना पीना मिलने लगा था। इतना मोटा गया कि लगे हाथ तोड़ दिया, एगो पैर ऐसे फैलाया, एगो हाथ ऐसे फैलाया। उसके बाद तो उसका घर जो है ना ढह गया। उसके बाद फिर पापा देखे तब उसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए पापा लगे हुए हैं वही एडेनियम के उस प्लांट को ठीक ठाक करने की, उसको फिर से नया गमला में डालने। एडेनियम का पौधा ये देखिए जड़ जो है कितना बड़ा हो गया है। अब इसे दूसरे गमले में शिफ्ट किया जाएगा। पहले वाले गमले का देखिए क्या हाल कर दिया था इस एडेनियम के पौधे ने। ये लोहे का टीना में था और देखिए नीचे से पूरा टीना खा गया है और इतना मोटा जड़ हो गया है। देखिए अभी से कैसे ठीक किया जा रहा है। कितना अच्छा जड़ लग रहा था। इससे फिर वापस से पौधा लग सकता है कि नहीं? इसको देखिए मेरे हाथ में जड़ एडेनियम का। और सेब बड़ा अच्छा है। इसको ऊपर रखेंगे और नीचे नहीं ले जाएंगे। यही तो सेब खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं अभी मैं और पापा दोनों मिलकर गार्डनिंग कर रहे हैं और हमारा जो एडेनियम का पौधा था काफी बड़ा हो गया था और जड़े देखिए कितनी मोटी हो गई थी, कितनी विशाल हो गई थी। सच में बहुत भारी है, बहुत भारी है ये एडेनियम का प्लांट। इसकी जड़े सिर्फ, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो काट दिए पापा, लेकिन इसका जो जड़ है ना अप्रोक्स 5 किलो तो जरूर है, क्योंकि बहुत ही वजन है, बहुत भारी लग रहा है। एडेनियम के इस पौधे में आपको बता दें कि गहरे गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल निकलते हैं, इस कारण इसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा अपने देश भारत में करीब करीब हर जगह पाया जाता है। इसके अलावे अफ्रीका, वियतनाम, ताइवान, मिडिल ईस्ट, मेडागास्कर आदि देशों में भी पाया जाता है। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि ये कम पानी और कम धूप में भी आराम से बढ़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इस पौधे के जो कुछ भाग होते हैं वे काफी विषाक्त होते हैं, इसलिए इन पौधों को बच्चों और अपने पालतू जानवरों से बचा कर रखना चाहिए। इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 फीट ऊंची होती है और 40 से 50 डिग्री तापमान में भी यह पौधा फलता फूलता है। इसे कम से कम पानी और ज्यादा से ज्यादा धूप की रोशनी भी चाहिए। और जब फूल होता है तो उसके बाद फल्ली वाला बीज निकलता है इसके अंदर से, जिसको अगर आप लगा दीजिएगा तो फिर से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह आप एक पौधे से हर साल अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं।
और इस पौधे में फूल भी तकरीबन साल भर निकलते रहते हैं। बस बारिश के दिनों में थोड़ा कम हो जाता है, उस समय पौधे जो हैं पत्तियों से भर जाती है। बरसात के बाद पूरे ठंड और गर्मी भर फूल निकलता है। इस पौधे की ज़्यादा सेवा भी नहीं करनी पड़ती, बस टाइम टू टाइम थोड़ी कटाई छटाई कर देने पर यह पौधा जो है खूब ज़्यादा फूल देने लगता है। और वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे अभी हम लोग मिलकर इस पौधे की कटाई छटाई करने में लगे हुए हैं। तो कुछ नीचे रहेगा ना मिट्टी में, इतना भाग ऊपर, तो कुछ नीचे रहने के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन फिर अब इसको लगाया किस में जाएगा? अच्छा, वो गमला जो इसे पहले ठीक कर रहे थे, तो एडेनियम के लिए एक गमला पहले से पापा ने तैयार कर रखा था। ना ठीक तो है, अच्छा तो लग रहा है। इतना मेहनत इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ भी एक एडेनियम का पौधा लगा हुआ है। इसकी भी जड़ें काफी मोटी ताजी हो गई हैं और बिल्कुल इससे भी ज्यादा मोटी जड़ें जो हैं इस वाले एडेनियम की थी, और जिसे अभी पापा शेप में ला रहे हैं, इसे कटिंग कर इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ऊपर रहेगा, इतना नीचे ना? अच्छा हाँ, दिखेगा तो हाँ। एडेनियम के पौधे की खूबसूरती को तलाशने का काम चल रहा है। पीछे देख सकते हैं पापा बिल्कुल लगे हुए हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं इस एडेनियम के पौधे पर। तो अब लगता है कि वो काम पूरा हो चुका है कटिंग का, और अब जो अनवांटेड हिस्सा था अब वो सबको हटाया जा रहा है। और उस गमले से जो इतना मिट्टी निकला है, और ये देखिए ये अब कबाड़ बन चुका है जिसे पापा हटा रहे हैं। और उसके बाद उस एडेनियम के पौधे को दूसरे गमले में लगाया जाएगा। देखिए ये भी एडेनियम का ही पौधा है, इसे भी पापा यहाँ काट चुके थे, और ये वाइट वाइट कुछ है लगा हुआ। और उसके बाद देखिए नए नए पत्ते भी जो आने हैं शुरू हो गए हैं। इसी गमले में अब इसे लगाया जाएगा। इसमें पहले से कुछ तो अब ये गमला जो है देखिए तैयार हो गया, और इस तरह अब ये हमारे एडेनियम पौधे का गमला प्रवेश होने जा रहा है। एक गमला से निकलकर दूसरे गमले में आ चुका है एडेनियम, और ये नीचे वाला जो सेप था जो उस गमले में मिट्टी में दबाव था, अब इसे पापा ने ऊपर कर दिया है, और इस तरह इसकी खूबसूरती अब थोड़ी और देखने लायक बन रही है।
देखिए ये गमले में मिट्टी पूरी तरह से भर गई है। तो फाइनली देखिए तैयार हो गया, एडेनियम का पौधा जो है लग गया है, तैयार हो गया है गमला। एडेनियम के पौधे को अब नहलाया जा रहा है। गमला प्रवेश तो हो गया, अब देखिए पापा इसे नहला रहे हैं पानी से। मिट्टी लग गया था इसलिए काफी गंदा हो गया था जड़ें इसकी, अब उस जड़ों को धो रहे हैं पानी से। अब इंतजार है कि कब इसमें पत्तियां फिर से नई नई पत्तियां लगेंगी और कब वो प्यारे प्यारे लाल उजले फूल, वो सुंदर फूल खिलेंगे, अब उसका इंतजार रहेगा। और अगले वीडियो में जब वो फूल खिलेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और एडेनियम से जुड़ा कोई भी प्रश्न अगर हो, अगर आपने भी अपने टेरेस गार्डन में एडेनियम का प्लांट लगाया हो या लगाना चाहते हैं और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं पापा से पूछकर आपके सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। फिल वक्त आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।